हमें कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। आज हमारी बीवी का 4 महीने से 4,000 रुपया गया दवाखाने में, आज मैं उधार ही लेके दूसरे से कर्जे पे मैं आज अपनी औरत को हॉस्पिटल लेके गया। यूनियन से कहे तो भी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ यूनियन एक काम को आती, तू चंदा भरा नहीं भरा, पैसा भर, ये कर, सिर्फ यही काम के लिए आती, मदद के लिए कभी नहीं आती। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबको मिलना चाहिए, और सिर्फ ये 1500 और 3000 से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यूनियन में हमारा पैसा इतना जमा है जो हम लोग ने चंदा क्लियर करते हैं, तो हमारा इतनी बड़ी यूनियन है, वर्कर के लिए कुछ सोचना चाहिए। और 3 महीना हम 450 रुपया में 3 महीना कैसे खाएंगे? हम लोग को कुछ मतलब ऐसा कुछ कर दो कि हर महीना मतलब रेशन ही बांट दो, रेशन बांट दो। तुम लोग इतना पैसा रखे अगर कहीं से, नहीं तो पैसा नहीं तो कुछ तो रेशन तो बांट दो। कितने स्पोर्ट भाई का नंबर होगा, कितने मेंबर लोग का नंबर होगा, लोग से बोल के फोन करके भाई लेके जाओ। कोरोना महामारी से मची आर्थिक और सामाजिक तबाही में कई लोगों को इस समय अपने खाने पीने से लेके बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ ये हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी यूनियन, जो कहती है अपने आप को फिल्म स्टूडियोस एलाइड मजदूर यूनियन करके है, जो जिनके पदाधिकारी कहते हैं कि हम एशिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, और इनका एक फेडरेशन है जिसमें लगभग 32 बॉडियों का फेडरेशन बनाया गया है। उसमें उनके जो मजदूर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, वो इस समय दाने दाने को मोहताज है। कहने के लिए तो कई बड़े बड़े स्टार्स से और प्रोडक्शन हाउसेस से उनको कई लाखों का चंदा आया है, उनकी मदद की गई, लेकिन हमारे साथ में जो हैं इस समय उनकी व्यथा कुछ अलग ही। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि मामला है क्या, दिक्कत क्या है। सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नितेश चौहान है। हाँ। मैं फिल्म मजदूर यूनियन से मेंबर हूँ और गए 12-13 साल से मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, बट अभी मुझे कूपन और पैसे मिले हैं, बट अभी और 3 महीने अगर और लॉकडाउन हो गया तो हमारी फैमिली के बारे में सोचने वाला कोई नहीं। ये कूपन और पैसे आपको मिले कहाँ, किसके जरिए मिले? ये यूनियन की तरफ से हमको एक मैसेज आया था, और एक सलमान खान की तरफ से बोले थे कि 3000 सलमान खान की तरफ से आया, और 1500 रुपये कुछ अमिताभ बच्चन की तरफ से, कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से कुछ कोई बोल रहे। तो ये हमको मतलब कम से कम 1 महीने बाद मिला है, जो अभी मिले मतलब 15-20 दिन होने पर मिला है। अभी इसके बाद और अभी लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, हमारे पीछे देखने वाला कोई नहीं हमारे को, कि हमारे घर में राशन पानी नहीं है, दूध नहीं है, कोई बीमार पड़ रहा है तो उसके लिए लेके जाने लेके आने के लिए पैसे पानी नहीं है, जो भी खाना पीने का हमको बहुत तकलीफ है। मगर हमारे जो भी चेयरमैन है, जो भी कोई भी हमारी यूनियन से, जो भी हमारे कोई ध्यान देने वाला नहीं है ये चीज़ के लिए। अपने यूनियन से संपर्क किया इस बारे में? इस बारे में हम लोग बातचीत करते जाते हैं, तो कभी यूनियन का ऑफिस बंद रहती है, कभी क्या है, संजू सर जो है बोल रहे तो वो तो कभी हमसे बात नहीं की आज तक, मगर हमारे पीछे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, और ये सब चीज़ की वजह से हमको तकलीफ है सर। यही चीज़ हम फॉलो करना चाहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट, हमारे एम्पा यूनियन, हमारे जो भी है, उनको ये चीज़ पता रहनी चाहिए सर कि और भी आगे लॉकडाउन है, 4500 में घर मतलब नहीं चलता है सर। तो अभी 2 महीने ऑलरेडी हो गए और 2 महीने बोल रहे हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे सर आगे, काम धंधा बंद है, सब कुछ बंद है। तो क्या आप नाम बताएंगे? अमर गोपाल काले। क्या दिक्कत क्या है? यही शूटिंग का है, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ भी नहीं है। यूनियन से कोई मदद वगैरह? मदद और कुछ भी नहीं दिए। मेरा कार्ड नंबर 19860 है, लेकिन मैं फॉर्म भर कर दिया, अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं मिला। अपने यूनियन के पदाधिकारियों से संपर्क किया? उनसे संपर्क किया। किससे संपर्क किया? जो है बड़े बड़े उससे फोन फॉर्म भर कर दिया, भेजा, हाँ फिर फोन लगाया तो रॉन्ग नंबर है वो है। फोन किसको लगाया? वो जो व्हाट्सएप पर रहता है उनको लगाता हूँ मैं, संजय जी को, उनको, बहुत जनों को लगाता हूँ, वो बताते ही नहीं, चलो भाई रख डालो, मेरे को दूसरा काम है बोलते। उसके अलावा आपने कहीं, आपको कहीं से मदद आई? कुछ मदद नहीं आई। आपका घर वगैरह चल कैसे रहा है? अभी घर काम कर रही, बीबी बच्चे वही चल रहा है। आपको यूनियन से कुछ कहना है इस समय? अरे यूनियन से कहे तो भी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ यूनियन एक काम को आती, तू चंदा भरा नहीं भरा, पैसा भर, ये कर, सिर्फ यही काम के लिए आती, मदद के लिए कभी नहीं आती। अपना नाम बताएं सर। विष्णु वर्मा। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये देखिए सर, मार्च से हम लोग को लॉकडाउन है, सबको पता है, आज 3-4 महीने हो गए, हमें आज तक कोई पूछने वाला नहीं आया
कि भाई तुम्हारे घर में कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। मुझे यशराज जी की तरफ से एक 5,000 रुपये का हेल्प आया था डोनेशन, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक 1,500 रुपये का कूपन आया था, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। श्री अमिताभ बच्चन जी की तरफ से आया था, ठीक है। उसके बाद हमें कोई मदद नहीं मिला है। हम यही चाहते हैं हमारे जो चेयरमैन है, जो हमारे अध्यक्ष है, बाकी जो डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, उन लोग आके पूछें, एटलीस्ट मैसेज दे, फ़ोन नंबर इशू करें, भाई तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। हमें कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। आज हमारी बीवी का 4 महीने से 4,000 रुपया गया दवाखाने में। आज मैं उधार ही लेके दूसरे से कर्जे पे मैं आज अपनी औरत को हॉस्पिटल लेके गया। आज इस आपदे के घड़ी में हमारे पास पैसा की बिल्कुल तंगी है, और इसके सिवा हमारे पास कोई ना कोई घर है ना कोई काम है कि हम दूसरा काम कर भी नहीं सकते। लेकिन आपकी यूनियन का भी मैंने पहले कुछ दिन पहले की वीडियो देखा, उसमें जो आपके पदाधिकारी हैं, जो श्रीवास्तव जी हैं, जो भी दुबे जी तिवारी जी, इन लोगों ने कहा सबको हम पैसे दे रहे हैं और देंगे भी भविष्य में। सर, बोलने में और देने में बहुत बड़ी बात है। हम तो रोज़ देखते हैं ऐसे 50 वादे होते हैं यूट्यूब पे, भाई ये नंबर इशू हुआ है इस पे राशन मिलेगा, ये नंबर इशू हुआ इस पे पैसा मिलेगा, मगर कोई अप्लाई नहीं आता। सर, आपने संपर्क किया यूनियन के पदाधिकारी बड़े लोगों से? संपर्क किया दो बार। मैं संजू श्रीवास्तव जी को कम से कम 50 बार फोन किया होगा, कोई रिप्लाई नहीं देते। और ये जो दुबे जी हैं उनका? दुबे जी तो बस अपने अपने सब लगे पड़े हैं, भाई बिजी हूँ, बाद में फोन करना, ये करना वो करना, यही करके निकाल देते सब लोग। आज तक सामने से कोई भी हम लोग को फोन नहीं आए कि भाई आप लोग तकलीफ में है, किस हाल में है, एक नंबर इशू कर रहा हो या कोई हेल्प नंबर हेल्प कर रहा हो, किसी को भी हेल्प हो तो करें हमारे पास, मगर कोई हेल्प करने नहीं आता। सर, अभी देखो आज मार्च अप्रैल मई जून आ गया, आगे और भी आएगा, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ऐसे कुछ हम और लोगों से बात कराएंगे, मैं इनसे बात करना चाहूँ। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम अजय तिवारी है। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये सर, ये लॉकडाउन सीजन ये 5वां है और अभी तक सर मतलब यूनियन सब लोगों को कुछ हेल्प आया नहीं है। तो यूनियन का तो कहना है कि उन्होंने काफ़ी बांटा और बांट भी रहे, लगातार बांटते जा रहे हैं। उन्होंने जो बांटा है वो एक तो सलमान भाई ने जो दिया था, हेल्प किया था, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जो उन्होंने एक अपने गरीब लेबर पे उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने हेल्प किया, और एक अमित सर का जो कूपन आया, ये हेल्प हुआ है हम लोगों को यूनियन के माध्यम से। बाकी हमारी जो यूनियन है, जो जो हम लोग लेबर है 50-40-50 हज़ार जो वर्कर है, जो हमारे लीडर है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमारे बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा ना उन्होंने कोई डिसाइड किया है। ये आगे मैं यही चाहता हूँ उन लोगों से, अपने प्रेसिडेंट से, जो आगे आए और आगे हमारे बारे में कुछ डिसाइड ले, उन्होंने डिसाइड करे हो और आगे बताए। जो लॉकडाउन जो अभी चल रहा है, आपके लीडरों का तो हर हफ्ते एक वीडियो आता है, हमने देखा है, और उसमें लगातार वो कहते हैं कि हमने सबकी मदद की है, आपको मिलेगा, मिलते रहेगा। तो बताए तो सही, कहाँ किसने मदद किया, किसको दिया, कौन सा वर्कर को मिला है? तो आपने अपने लीडरों से संपर्क किया कभी डायरेक्ट फेस टू फेस? हमारे करने वाले सब संपर्क कर रहे हैं, लेकिन किसी का नॉट रिचेबल, नॉट अवेलेबल, ऐसा ही सबका नंबर चल रहा है। वादे तो सब कर रहे हैं, यानी जो भी, यानी मोटे तौर पे जो भी वादे हैं वो सब झूठे ही हैं उनके लग रहा है? सब ऑलमोस्ट तो ऐसा ही लग रहा है ना सर, ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है। हम और लोगों से बात करेंगे। अपना नाम बताइए अपने। जी, मेरा नाम है सद्दाम मनियार। क्या काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में? जी, मैं भी प्रोडक्शन बॉय का काम करता हूँ। जी, उनको यूनियन से मदद मिली है, मुझे कूपन भी आया है और 3,000 रुपये भी आई है। वो अभी 3,000 रुपये आके कुछ लास्ट सैटरडे को मैं 3,000 रुपये आए हैं, और वो भी 3,000 रुपये ऐसे आए हैं कि मैंने कम से कम उनको एक 50 टाइम तो कॉल करके बोला होगा। सर, किसको फ़ोन किया आपने? मैं अशोक दुबे जी को कॉल किया हूँ, और जो भी वो नंबर इशू किए थे इस नंबर पर कॉल करके आप पता कीजिए, वो सब नंबर पर मैंने कॉल किया था। कम से कम 50 टाइम मैंने कॉल करने के बाद मेरे को 3,000 रुपये आया है, और इसके आगे हमको कुछ मदद मिली नहीं है। अच्छा, उसके बाद से जैसे आपने कई बार, जैसे आपका कहना है 50 बार फ़ोन किया दुबे जी को, उसके बाद आपको एक छोटी सी राहत वहाँ से आई है, उसके बाद से कुछ नहीं? हाँ, उसके बाद से कुछ नहीं। तो उसके बाद अपना घर कैसे चला रहे हैं? सर देखो, अभी 3,000 रुपये सर कुछ नहीं होता है अभी फ़िलहाल, तो हम तो रहते हैं यहाँ पर भाड़े पर सर, इसके में हमारा कुछ गुजारा नहीं हो रहा सर, राशन तक नहीं आ रहा है सर सही से। इसमें सर मुश्किल से 2 से 3 दिन चलेगा सर ये, क्योंकि सर अभी फ़िलहाल आप तो देख रहे हो लाइट बिल, ये सब हमको ही देना पड़ता है सर। तो अभी उसके बाद से संपर्क किया आपने यूनियन से कि पैसे हमारे कम है, आपने भेजा, खर्च हो गए, उसके बाद कुछ करिए? सर ये देखो, यूनियन ने नहीं भेजा है सर, ये सलमान भाई ने भेजा है, ये हमको जो पैसा तो यूनियन आप यूनियन के मेंबर, तो आपने यूनियन से सवाल जवाब नहीं किया कभी?
सर मेन बात वो हमारा कॉल नहीं उठाते सर, सिर्फ व्हाट्सएप पे हमको रिप्लाई देते हैं, वो भी 10 मैसेज करने के बाद एक रिप्लाई आता है सर उनका। किससे संपर्क किया आप? सर अशोक दुबे जी से। कोई जवाब वहाँ से? सर जवाब आता है 10 मैसेज करने के बाद एक रिप्लाई आता है सर। क्या? सर आपका हो जाएगा, बस एक बोलते अगले मंडे करके। सर मेरे तरह कम से कम एक महीना गुजर गया सर। लास्ट सैटरडे पैसा। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे सर, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम देवीलाल पासवान है। क्या काम करता है इस स्पोर्ट बॉय का? काम करता हूँ सर। कुछ राहत वगैरह आपको आई है जैसे कि बताया जा रहा है? नहीं, कोई खास राहत नहीं मिला है सर। जो सलमान भाई ने दिया है, हामिद जी ने दिया है, वो मिला है सलमान भाई की तरफ से 3,000, और जो अमित सर के तरफ से आया कूपन, वो 1500 का कूपन मिला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो मिल गया है, लेकिन मेरे जैसे इतने जो भाई लोग हैं उसमें 30% किसी को मिला नहीं है। वो रोज़ वो लोग बोलते हैं कि भाई आपको मिल गया, हमको नहीं मिला। और वो लोग यूनियन में, मैं बोला हूँ यूनियन में फ़ोन करो, वो लोग कोई रसीद नहीं करता है, वो यूनियन में रहते ही नहीं। अभी बोलते कि अभी लॉकडाउन है तो हमको आने जाने का प्रॉब्लम है, अभी हम लोग हैं नहीं इधर। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबको मिलना चाहिए, और सिर्फ ये 1500 और 3000 से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यूनियन में हमारा पैसा इतना जमा है, जो हम लोग ने चंदा क्लियर करते हैं, तो हमारा इतनी बड़ी यूनियन है, वर्कर के लिए कुछ सोचना चाहिए। और 3 महीना हम 450 रुपया में 3 महीना कैसे खाएंगे? ये तो 3 महीना की बात है, फिर इसके आगे अभी कब तक ये काम चालू होएगा? और हम लोग रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला आदमी है, तो हम कैसे गुजारा करेंगे? आपके यूनियन का तो एक लगातार वीडियो वगैरह आते रहता है कि हमने लोगों की काफ़ी मदद की, हम हमारे 40,000-50,000 मेंबर हैं और मदद कर रहे हैं और करेंगे भी, टेंशन ना लें। हमारे जो मदद मिला है, जो सलमान भाई अमित जी ने दिया है, वही मदद मिला है, और कुछ नहीं मिला है। आपका कहना है कि यूनियन ने आपके काफ़ी पैसे भी जमाए आप लोगों की ये मदद के लिए, तो ये कहाँ आपने कभी सवाल नहीं उठाया? हमने सवाल पहले किया था, उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, और ये सब चीज़ के लिए मैंने पिछले महीने मैंने बहुत फ़ोन किया था, कोई रसीद नहीं। किसको फ़ोन किया आपने? संजय भाई को भी फ़ोन किया था, और ऑफिस में किया था, ऑफिस में तो नॉट रिजिबल बताया था, वो हुआ ही नहीं था। तो ये मैं बोल रहा हूँ, हमारे जो सेक्रेटरी सर हैं राम कदम जी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे वर्कर के लिए वो कुछ करें, क्योंकि वो हमारे मेन आदमी हैं, और जिनको जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा हमारे यूनियन का ऑफिस में इंटरफेयर करें ज़्यादा, कि किसको क्या तकलीफ है वो ज़रा आके सॉल्व करें, और हमारे लिए सोचे कि हम जब तक काम नहीं कर रहे हमारे बीवी बच्चे कैसे रहेगा? हम रोज़ भाड़ा देने वाले, घर पे काम करने वाले लोग जो है, हमारी तो काम तो है ही नहीं, तो हम कैसे रहेंगे, बीवी बच्चों को कैसे खिलाएंगे? तो इनके इसलिए मुझे गुजारिश है कि हमारे सब वर्कर के लिए वो कुछ करें। ठीक है, यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बताएंगे? महबूब, मेरा नाम महबूब है। क्या काम करता हूँ? मैं इधर स्पॉट बॉय हूँ। हाँ जी, दिक्कत क्या, कुछ मदद वगैरह मिली आप लोगों को? जैसे सभी बता रहे कुछ मिली है, नहीं मिली है? देखो मिली तो मतलब मिली, 3 महीना हो गया, महीने में मिली थी 3,000 रुपया, और जो 1500 रुपये कूपन मिला था वही है, उसके बाद में अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी तक बोले तो अभी हो गया, अभी 3रा महीना भी चालू हो गया, हर महीना ऐसे ही चलते रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। यूनियन से संपर्क किया, यूनियन का कुछ कहना है? यूनियन का क्या कहना है, कोशिश चालू है, कोशिश हम लोग का चालू है, वही मैसेज आता है जब भी हम लोग कुछ करते, बोलते सर कुछ कर दो, मदद कर दो, कोशिश चालू है, कोशिश हो रहा है, मिल जाएगा। मतलब वादे वादे वादे, हवाई वही चल रहा है। तो हम लोग को कुछ मतलब ऐसा कुछ कर दो कि हर महीना मतलब रेशन बांट दो। तुम लोग इतना पैसा रखे, अगर कहीं से नहीं तो पैसा नहीं तो कुछ तो रेशन तो बांट दो। कितने स्पोर्ट भाई का नंबर होगा, कितने मेंबर लोग का नंबर होगा, लोग से बोल के फ़ोन करके भाई लेके जाओ। यूनियन का तो कहना है कि हम तो बराबर लोगों की मदद करें, बराबर लोगों को बांटते ही जा रहे हैं और भविष्य में भी मदद करेंगे। हमको तो नहीं मिला, जिसने अभी इधर इंटरव्यू दिया है उन लोग को तो किसी को नहीं मिला। ऐसे और भी लोग हैं, अगर होते घर से अभी निकल भी नहीं सकते कोई भी। क्या एक बात सही, हमने जो सुनने में आया कि यूनियन के लोगों ने जो मदद भी की मुट्ठी भर लोगों को, वो उनके करीबी या उन्हीं के लोगों के बाद उन्हीं की मदद की गई है, वो हम तो बोल नहीं सकते। अभी देखो सेटिंग, स्पॉट और लाइट, इसमें 3 जन है। मेन एक मुद्दा होता है कि सेटिंग वाले, स्पॉट वाले तो कुछ गिनती में नहीं होता है, लाइट वाले तो उसके ऊपर, समझ गए, सेटिंग वाले को जाता है कि नहीं जाता है। अभी तक कोई सेटिंग वाला तो अभी तक आज तक कोई सेटिंग वाला आया नहीं है, जो भी आता है स्पोर्ट बॉय आता है, लाइट वाला आता है, उन लोग को मिला नहीं है अभी तक।
जो मिला है वो 1500 और 3000 रुपये मिला है, उसके अलावा अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। तो ये देखिए व्यथा इन्हीं के लगातार बढ़ते ही जा रही है। कोई अब यूनियन का कहना है कि हमने तो बांटे हैं, बांटना चालू है हमारा और भविष्य में भी इनको देंगे, लेकिन ये जो मजदूरों से बात हुई हमारी, स्पोर्ट के हैं, स्पोर्ट बॉय हैं वगैरह हैं, इनके अनुसार इनको बहुत कम ही और शायद ना के बराबर मिला है। अब इनका कहना है कि 3 महीने बीत गए, ये भविष्य में चलेगा तो कैसे चलेगा, 2000-3000 जो छोटी बड़ी मदद इनको मिली है वो कब तक के खाएंगे पिएंगे, उसमें लाइट का बिल देंगे कि घर का खर्चा चलाए या घर का भाड़ा भरे, और ये चलेगा इसका अंत कब तक होगा। और यूनियन का कहना है कि नहीं आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आपको देंगे, जबकि यूनियन की तरफ से इनको कोई इतनी ठोस ये मदद करने की ना उम्मीद दिखी है ना वो यूनियन कोई मदद कर पा रही। इंडस्ट्री में काम कर रहे मजदूरों का लगातार बेबाकी से मुद्दा उठाने वाले वीरेंद्र ठाकुर हमारे साथ हैं। वीरेंद्र ठाकुर से हम जानेंगे कि पूरा मामला असल में है क्या। वीरेंद्र ठाकुर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, ये बताइए मुद्दा है क्या ये जो लगभग। पहले तो नमस्कार सारे कोरोना फाइटरों को जो हमारे लिए कर रहे हैं, और मैं आप तो पत्रकार एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कोई भी सवाल पूछना हमारे जो बड़े लीडर हैं उनसे सवाल पूछना कोई गुनाह तो नहीं है ना। अच्छा अभी जो मुद्दा है सर, मैंने जब पहला वीडियो जब मैंने किया था मैंने मुद्दा उठाया था जो भाई हमको कुछ मदद नहीं मिला है, तो हमारे ऑफिस से राजेश जी का फ़ोन आया था जो भाई आपने ऐसे ऐसा बोला है जो मदद नहीं मिला है, आप कुछ अच्छा बोलिए, यूनियन हमारी बहुत अच्छा काम करती है। मतलब ठीक है सर आपका अच्छा हो जाएगा मैं बोलूँगा। उस टाइम जब मैंने सन्नू श्रीवास्तव जी से बात किया था तब उन्होंने हमें बोले थे जो भाई हम राशन बांट रहे थे पुलिस वाले ने हमें रोक दिए, मना कर दिए, हमें परमिशन नहीं है, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम राशन बांटेंगे। ठीक है उसके बाद जब हमें ये चीज़ बोला गया अप्रैल महीने में 10 तारीख को, उसके बाद इन्होंने क्या किए हैं नाला सुबाड़ा में जाके राशन बांटे हैं। तो जब हमारे वर्कर जो जिस कुर्सी पर बैठे हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब संजू श्रीवास्तव जी, तो हम वर्करों को देने के लिए उनको परमिशन नहीं मिला। जब वो नाला सुबारा में बांट रहे थे उनके लिए परमिशन था, पहला सवाल। हम लोगों के लिए राशन आया था वो राशन कहाँ गया वो हमें कोई नहीं बताया। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद उसके बाद जो फिर मैंने मुद्दा उठाया जो भाई पैसे या जो भी है क्या सुविधा मिल रहा है, तो हमें बोला गया मिलेगा। उसमें से जो भी हमारे भाई लोग थे सबको मैंने बोला फॉर्म भरो जो हमारी तरफ से आया, उसमें फॉर्म भरे लोगों ने, कुछ लोगों को मिला कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ को कूपन मिला कुछ को पैसे मिला, कुछ को मेरे को दोनों चीज़ मिला, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिला, जिसमें से बहुत सारे लोग जो मेरे साथ में काम करने वाले थे वो गांव चले गए। गांव इसलिए चले गए कि उनको कोई मदद नहीं मिला। मैंने पूछा भाई क्यों जा रहा है डू किधर यूनियन मदद करेगा, बोला भाई हम लोगों ने 2 महीना बर्दाश्त कर लिया, हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है, हमें खाने तक का बंद है, हमें जाने दो, हम गाँव में अपना कैसे भी दिन निकाल लेंगे। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। अभी हमारे कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले हमारे अशोक दुबे जी जो हैं उन्होंने एक पेपर में डाले थे जो भी हमारे वर्कर हैं उनका प्लान रोको आप लोग मत जाओ। अब एक चीज़ बताइए सर, कोई भी वर्कर को चाहे मैं हूँ या कोई भी इंसान हो, भाड़ा भरना है, खाना खुराकी है, लाइट बिल भरना है, भाड़े के घर से रहते हैं जो भी वर्कर है 95% भाड़े से ही रहते हैं सर, 5% के पास ही खुद का घर है, वो कहाँ से करेगा, किसी घर में बच्चे हैं किसी घर में माँ बाप बीमार है, वो दवा कहाँ से लाएगा। यूनियन के आपका एक मैंने वीडियो देखा और लगातार देख रहा हूँ कि हम काफ़ी मदद करें। अच्छा ये और उनका एक ये भी आरोप है कि ये जो आवाज़ उठा रहा है ये गलत लोग हैं और एक राजनीतिक साजिश है या विरोध है, ये जबरदस्ती किसी के कहने पे, तो इसमें कितनी सच्चाई। अच्छा ये जब बोले राजनीतिक, हम तो कोई राजनीतिक वाले हैं नहीं, हम तो एक वर्कर हैं स्पोर्ट वाले पेटी उठाने वाले, हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। तो अगर हम गलत बोल रहे, आपने बोला पहले जो 5 लाख वर्कर है, ठीक है पूरे इंडस्ट्री मिला के 5 लाख वर्कर है, हमारा जो वर्कर है वो 46,000 है। तो अभी तक आप अगर बोल रहे हैं जो अगर सबको हमने दे दिया तो आप बताइए ना लोग क्यों जा रहे हैं। वर्कर आज गांव चले गए, आप फ़ोन करके पता कर लीजिए, वर्कर उनको मदद नहीं मिला गांव चले गए, और बहुत सारे लोग यहीं पे हैं जिनको कोई मदद नहीं मिला। इसमें से हमने बहुत बात करके देख लिया इन लोगों से, कोई फ़ायदा नहीं। हमारे जो हैं जो हमारे चेयरमैन साहब श्री राम कदम जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कभी उनसे सामने से मिला नहीं हूं, मैं सामने से कभी उनसे बात नहीं किया हूं, लेकिन मैं राम कदम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चेयरमैन हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम वर्करों का माँ बाप होता है चेयरमैन जी से रिक्वेस्ट करता हूं राम कदम जी से, जो हम वर्करों का थोड़ा मदद कीजिए इस टाइम, क्योंकि हमारे जो भाई लोग हैं साथ में काम करने वाले बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, उनके घर में राशन नहीं कुछ नहीं, और यूनियन के तरफ से कुछ लोगों को मिला है कुछ लोगों को नहीं मिला है सर। शायद ये चीज़ आपको पता है नहीं पता है हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं
जो वर्कर बहुत परेशान है और कुछ लोग तो इतने परेशान है जो बता नहीं सकते सर, बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा राम कदम जी से रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सब वर्करों को, भाई लोगों के लिए, तो प्लीज़ उनको मदद कीजिए। जिसमें से कुछ लोगों को जो मिला है सर 4500 रुपया मिला है, सबको नहीं मिला है 4500 1500 रुपया कूपन और 3000 रुपया कैश, उसमें 4500 रुपया में 2.5 महीना हो गया, घर चलता है क्या सर किसी का भी? यूनियन का कहना है कि आप रुकिए, हम देंगे और दे भी रहे हैं लगातार। सर 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना में लोगों को 4500 मिला है, किसी को 3000 मिला है, किसी को 1500 मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। तो वो 2.5 महीने से अभी तक दे नहीं पाए, कब देंगे सर? यूनियन की तरफ से बात कौन करता है? सर यूनियन के तरफ से जो हमारे वर्कर भाई लोग बता रहे जो साथ में हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं तो कोई जल्दी उठाते नहीं, 10 मैसेज करते हैं एक बार उनका रिप्लाई आता है, हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा वो डेट नहीं बताएंगे, हो जाएगा। तो मैं सर पूछ रहा हूँ, आप 2.5 महीना हो गया लॉकडाउन होके, सबको पता है, कब हो जाएगा? आज वर्कर चले गए, आज अगर काम शुरू हो गया, प्रोड्यूसर ने काम शुरू कर दिया, अब किससे करवाओगे? प्रोड्यूसर जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर साहब हैं या जो बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने पैसा आपको तो इसीलिए दिया होगा ना कि भाई आप इन वर्करों का ख्याल रखिए, ये कहीं जाना नहीं चाहिए, इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपने सब तक मदद नहीं पहुँचा पाए, लोग गाँव चले गए हैं, ये चीज़ आप पता कीजिए कितने परसेंट वर्कर आपके स्पोर्ट्स सेटिंग लाइट जो हैं वो गांव चले गए, क्यों गए? आपने अगर मदद किया तो वो गांव क्यों गए? यूनियन ने बताया कुछ काम शुरू होने की कोई उम्मीद वगैरह या आप लोग रुकी है ऐसा कुछ? सर उन्होंने अभी मैं न्यूज़ पे ही देखा था जो सरकार ने ऑर्डर दे दिया है जो आप फिल्म टीवी या फिल्म या अभी शुरू शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये शुरू होने में सर अभी वक्त लगेगा क्योंकि जो भी हमारे प्रोड्यूसर है जो हमारे माए बाप होते हैं वो अभी तो ऐलान हुआ है, अभी कब शुरू होगा ये सर हमें नहीं पता और ये कब तक ये दिन देखना पड़ेगा वर्कर को सर नहीं पता है। काम शुरू होगा, हम काम करेंगे, फिर बिल जाएगा, उसके बाद में पेमेंट आएगा, तो उसके लिए सर बहुत लंबा वक्त है हमारे पास अभी। जैसे कि चलिए ये तो सर लॉकडाउन 5 अभी चल रहा है, अभी कब तक चलेगा, क्या सिचुएशन है वो सर हम नहीं जानते। अभी जो हमारी यूनियन जो इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, एशिया का सबसे बड़े यूनियन है, अच्छी बात है, लेकिन आगे का क्या क्या है, क्या कर सकते हैं? जो वर्कर अभी जो बचा हुआ है उनको क्या देंगे आगे? आप सुविधा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कब तक दे रहे हैं वो आप आगे आगे बताइए, जो आप क्या दे रहे हैं हमें, जो हमें वर्कर को पता चले कि भाई इतने दिनों में हमें यूनियन के तरफ से ये मदद मिलेगा लॉकडाउन 5 में, वर्करों को पता नहीं अभी तक, तो कब तक मिलेगा, क्या मिलेगा? 2.5 महीनों में नहीं मिला, अब मिलेगा नहीं मिलेगा ये भरोसा नहीं है, वर्करों को भरोसा नहीं है, यही हमारा रिक्वेस्ट है। आप बताइए क्या कर सकते हैं हम आगे? परिस्थिति बहुत ही गंभीर है इन फिल्म मजदूर यूनियन वालों की, और यूनियन का तो स्पष्ट कहना है कि हमने काफ़ी पैसे बांटे हैं और आप लोग रुकिए, हम लोग और भी बांटेंगे। तो आखिर में अब इसके आगे कहा जाए तो क्या कहा जाए? शासन प्रशासन से भी इनकी बहुत अच्छी कोई मदद शायद अभी तक नहीं हो पाई है, इक्का दुक्का हुई रहेगी तो कुछ एक्टर वगैरह ने जिसमें शायद जैकी श्रॉफ वगैरह ने, अमिताभ बच्चन जी ने और भी कोई छोटी मोटी यूनियन ने मदद इनकी थोड़ी बहुत की है, लेकिन जो इनकी फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन जो एशिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन, जिनके पदाधिकारी अपने आप को कहते हैं हम सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, खाली कहने के लिए कहते हैं, लेकिन इनको आज तक कोई मदद वो राहत जमीनी तौर पर नहीं पहुँचा पाए हैं।